हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक है आपका वो है अनुपात निकालना या अनुपातों को मिलाना। फिर एक शॉर्ट वीडियो है जिसके जरिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हो और जो आगे के टॉपिक है उनका बेसिक आप सीखने वाले हो। तो टॉपिक का नाम है अनुपात निकालना या अनुपातों को मिलाना। अनुपात निकालना या अनुपातों को मिलाना, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं इससे रिलेटेड। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देखो तो, और जो यू लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको लगातार जो भी हमारे वीडियो जाएंगे उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लगातार ऐसे शॉर्ट वीडियो के जरिए आप लोगों के काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए, पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जब बीच में एक बराबर का चिन्ह हो तो अनुपात कैसे निकलता है। देखिए, बीच में एक बराबर का चिन्ह है 4a = 5b। देखो, जब बीच में एक ही बराबर है ना, यह दे रखा है 4a = 5b दे रखा है। जब बीच में एक ही बराबर का चिन्ह हो तो बस ऐसे हल कर दो, 5 इधर आ गया 4 इधर आ गया, तो 5:4 आपका आंसर आ गया, जिसमें 5 a का मान है और 4 है b का मान है। तो a/b बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल आ गया 2a = 3b। तो अब आपको यदि a अनुपात b पूछे, a और b का अनुपात पूछे, अभी बीच में एक बराबर का चिन्ह है तो डायरेक्ट बस ये कर दीजिए, तो आपको उत्तर आ गया 3:2। बस इस तरह से करना है। तो ये हो गया जब बीच में एक बराबर का चिन्ह हो तो अनुपात ज्ञात करना, अनुपात निकालना। ठीक है, आप सभी अनुपात निकाल सकते हो। अब देखिए, दूसरा पॉइंट है, जब बीच में एक से अधिक बराबर का चिन्ह आ जाए। एक बार जो लिखा हुआ उसे ढंग से पढ़िए और फिर आपको मैं और समझा दूंगा। बीच में जब एक से अधिक बराबर का चिन्ह आए, देखो एक बराबर ये रहा एक बराबर ये रहा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बनाना है। इसका मतलब क्या है, जो बराबर है उसे अनुपात में बदलना है। अब बराबर को अनुपात में बदलते कैसे, ये देखिए, याद रखना है जब बीच में एक से अधिक बराबर का चिन्ह आ जाए तो जो संख्या आती है, जो संख्या आती है इनको उल्टा कर देते हैं। ए बी सी के साथ में जो भी संख्या है उनको उल्टा करना है जब बीच में एक से अधिक बराबर का चिन्ह आए। वापस याद दिला रहा हूँ, जब बीच में यदि एक ही बराबर का चिन्ह होता, देखो यदि बीच में एक ही बराबर का चिन्ह होता तो हल करने का तरीका सिर्फ ये था 5:4। लेकिन यदि बराबर का चिन्ह एक से ज़्यादा आ जाए, जैसे ये आ गया एक से ज़्यादा आ जाए, तो संख्या को किया जाता है उल्टा। तो 2 का उल्टा 3 का उल्टा 4 का उल्टा। उल्टा करने का मतलब क्या होता है, जैसे 2 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, उल्टा कर दो 1 ऊपर 2 नीचे, तो 1/2 हो गया। इसी तरह देखो, 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर लिया जाएगा इसके हरों का लघुतम, 2, 3 और 4 का लघुतम लिया जाएगा। अब लघुतम लेने का तरीका कौन सा होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लेते हैं इसे। 2, 3 और 4, तो 2 एकम 2, 3 में जाने रहा, 2 दूनी 4, फिर 2 का दीजिए 2 एकम 2 और 3 आ गया, फिर 3 एकम 3, अब इनको गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे लघुतम लिया जाता है। आप लोगों को और भी सिखा दिया जाएगा। तो लघुतम कितना आया, 12 आ गया। अब जो लघुतम 12 आया है, तो देखो पहली भिन्न कौन सी है, 1/2, तो इसका हर का भाग दो, 2 का भाग 2 12 में, दूची की 12, फिर जो भी जितनी बार भाग जाए उसे 1 से गुणा कर दो, 6 एकम 6, फिर 3 का भाग 2 12 में, 3 चौक 12, फिर 4 एकम 4, इस अंश से गुणा करना है। देखो 4 का भाग 2 12 में, 4 3 12, फिर 3 बार गया, फिर 3 को गुणा कर दो 1 से, अंश से गुणा कर दो, 3 एकम 3, तो आपके पास देखिए अनुपात आ गया है 6:4:3। ये 12 है, 12 यहाँ पर बेस लिया है, यहाँ पर जो भिन्न था भिन्न को हटाने के काम में लिया है सिर्फ 12, तो 12 हट जाएगा। यहाँ पर लघुतम कितना आ गया आपका, 6:4:3 आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, उसके बाद में आगे और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे मान लो आपके पास आ जाए 1a = 2b = 3c = आगे भी आ सकता है 4c, जैसे ऐसे आ गया। ठीक है, अब बराबर के चिन्ह एक आए, दो आए, तीन आए, कितने भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि एक से ज़्यादा बराबर का चिन्ह आता है तो हमें करना पड़ता है संख्या को उल्टा, तो 1 का उल्टा 1/1, फिर अनुपात में बदल जाएगा 2 का उल्टा 1/2, फिर देखिए 1/3, फिर देखिए 1/4, फिर इन सब का लघुतम लिया जाएगा। तो लघुतम यहाँ पर कितना जाएगा, 2, 3 और 4 का। लघुतम लेने का तरीका देखो कौन सा होता है, लघुतम लेने का अभाज्य गुणनखंड विधि से लिख लेना 2, 3, 4 को, और फिर लघुतम लिया जाएगा। इनका लघुतम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए अब लघुतम लेके, जैसे लघुतम आ गया था 12, तो यहाँ पर अभी जैसे 1/1 था, 1/2 था, 1/3 था, 1/4 था, ऐसे संख्या थी, तो 1 का भाग देंगे 12 में, तो 12 बार गया तो 12 को इससे गुणा कीजिए तो 12 आ जाएगा। फिर 2 का दीजिए 2, 6 की 12, तो 6 से गुणा कीजिए, यहाँ पर 6 एकम 6 आ गया, फिर 3 चौक 12, 4 एकम 4 आ गया, 4 3 12 3 आ गया, ऐसे अनुपात बना सकते हैं। देखो अभी कम समझ में आए हो तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। 4a = 5b = 3c हो तो आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c बताना है। तो देखो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c कैसे निकाला जाएगा,
चार का उल्टा किया एक बटा चार, पाँच का उल्टा किया एक बटा पाँच, तीन का उल्टा किया एक बटा तीन, ठीक है। फिर यहाँ पर चार पाँच और तीन का क्या लिया गया, लघुतम लिया गया। लघुतम लेना देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस तरह से, दो का भाग दीजिए सब में, दो दूनी चार, पाँच और तीन में गया नहीं, फिर दो एकम दो, पाँच और तीन में गया नहीं, फिर तीन का दिया तीन में पाँच आ गया, पाँच एकम पाँच, इन सबको गुणा कर दो, पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, तीस दूनी साठ, तो लघुतम कितना आया साठ। देखिए इसे हल करने का तरीका समझ लेना, यदि किसी को नहीं आता है तो देखो साठ जो लघुतम आया है इसमें देखो इस हर का भाग दीजिए, चार का भाग कितनी बार गया पंद्रह बार, तो पंद्रह को एक से गुणा कर दो, पंद्रह एकम पंद्रह, फिर साठ में पाँच का भाग दीजिए बारह बार गया, फिर बारह एकम बारह, फिर साठ में तीन का भाग दीजिए, फिर यहाँ पर बीस बार गया, बीस एकम बीस, तो आपका आंसर आ गया पंद्रह बारह और बीस, या अनुपात में चेंज हो गया। तीसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक कॉन्सेप्ट आपको और सिखाने वाला हूँ इनके अलावा, देखते रहिए पूरा वीडियो देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके आरआरबी वगैरह इन एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक ले लीजिए आप उसका बेसिक भी हो सकता है ये, जैसे मेंसुरेशन आ जाएगा आपका, औसत आयु आ जाएगा, इन सभी के अंदर ऐसे वाले अनुपात काम में आ सकते हैं। तो देखिए तीन बटा पाँच ए बराबर तीन, दो बटा तीन बी और पाँच, चार बटा पाँच सी, ये दे रखा है। तो मैंने अभी बताया कि जब बीच में एक से ज़्यादा बराबर का चिन्ह आ जाए तो संख्या को करते हैं उल्टा, तीन बटा पाँच का उल्टा कर दो, पाँच बटा तीन हो गया, दो बटा तीन का तीन बटा दो, चार बटा पाँच का पाँच बटा चार, पहले तो उल्टा करना है बराबर को अनुपात में बदलना हो तो। फिर यहाँ पर देखिए उल्टा करके तीन दो और चार का मैंने क्या ले लिया लघुतम, देखो लघुतम लेने का तरीका भी मैंने लिख दिया है, लघुतम आया बारह, फिर बारह में तीन का भाग दीजिए, तीन चौक बारह, फिर चार को किससे गुणा करेंगे पाँच से, अंश से गुणा करते हैं तो बीस आ गया, फिर दो का भाग दो बारह में, दूची की बारह, ठीक है दूसरे की बारह, और फिर छः को गुणा कर दो तीन से, अंत से गुणा कर दो अठारह आ गया, फिर चार का भाग बारह में दो, चार तीन बारह, फिर तीन बार गया तो पाँच तीन पंद्रह, तो ये पंद्रह आ गया, तो आपका उत्तर आ गया बीस, अठारह और पंद्रह आ गया, ये ए बी और सी का मान हो गया। इस तरह से अनुपात निकाल सकते हैं, आप सभी को अनुपात निकालना आ गया होगा। अभी देखिए और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए अब सीखते हैं अनुपातों को मिलाना। अब अनुपातों को कैसे मिलाया जाता है ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए बी दे रखा है दो अनुपात तीन, बी और सी का अनुपात दे रखा है, ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ए बी बी सी में दो बार कौन आया, तो दो बार आया बी, ठीक है, जो दो बार आता है उसे लिखते हैं बीचों बीच, जो भी दो बार आए उसे बीचों बीच लिखा जाएगा, तो बी और बी दो बार आया तो बी को यहाँ पे लिखा, तो बी को बी के नीचे लिख लिया, ये बीच में आ गया, बी के पहले कौन है ए, तो ए यहाँ पर आ गया, फिर बी के आगे कौन है सी, तो सी यहाँ पर आ गया, ऐसे बी को बीचों बीच लिखा, जो भी दो बार आएगा वो बीचों बीच आएगा। देखते हैं अब आगे इसमें कैसे सोल्व करेंगे, एक ही जगह ए का मान लिखना है, तो एक ही जगह कितना आया दो आ गया, फिर बी दो बार आ रहा था तो दो, बी का मान कितना आया पहले का तीन आया, और दूसरे बी का मान कितना आया एक आया, और फिर आगे देखो कौन आया सी, तो आगे पाँच आया, इस तरह से रख लिया। अब देखो कुछ खाली जगह बची हुई है, यहाँ पर खाली जगह एक तो यहाँ पर बची हुई है, एक यहाँ पर बची हुई है, तो ध्यान रखना जो खाली जगह होती है ना उसे बगल वाला भरता है, तो तीन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो एक है वो यहाँ पर आ गया। आपके पास देखो इस लाइन में कौन आया दो और एक, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो एकम दो, फिर तीन और एक, तो तीन एकम तीन, और पाँच तीन पंद्रह, तो देखो ए बी और सी का मान आपके पास आ गया दो अनुपात तीन अनुपात पंद्रह, इस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको और भी अच्छा समझ में आएगा, अच्छी तरह समझिए। देखो यहाँ पर देखो मैंने ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पर बगल में एक आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दो अनुपात तीन अनुपात पंद्रह आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, जैसे पी और क्यू और क्यू और आर दे रखा है, पी क्यू आर का मान पूछ रहा है, पी क्यू क्यू आर में दो बार कौन आ रहा है क्यू आ रहा है, तो आपको ये याद रखना है क्यू के नीचे क्यू आएगा, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो ये है क्यू के नीचे क्यू, देखो ये लिख दिया, अब क्यू के साथ कौन आ रहा है पी, तो पी पहले आ जाएगा, और इस क्यू के आगे कौन आ रहा है आर, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। साइड में कौन भरेगा, यहाँ पर देखो खाली जगह को भरता है बगल वाला, तो ये बगल वाले ये दोनों आके और भर देंगे, तो यहाँ पर बस आप मान रखने हैं। देखो यहाँ पर पी क्यू आर है, इनके मान रखिए, इस पी की जगह तो कौन आया एक आ गया, इस क्यू की जगह कितना आया पाँच आ गया, और इस क्यू की जगह कितना आया दो आया, और इस आर की जगह कितना आया तीन आया। खाली जगह में कौन आता है बगल वाला, ये पाँच आ गया ये दो आ गया, तो देखिए अब आपका आंसर कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करिए दो एकम दो, तो दो आ गया अनुपात, इनको मल्टीप्लाई करें तो दस आ गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो पाँच ही पंद्रह आ गया, ठीक है ये पंद्रह आ गया, इस तरह से आपका आंसर आ गया दो अनुपात दस अनुपात पंद्रह, ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो दो अनुपात दस अनुपात पंद्रह आपको दिख रहा है, इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। और देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो वापस एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मान लो आपको दे रखा है ए अनुपात बी दे दिया, ए अनुपात बी बराबर दो अनुपात तीन दे रहा है, और बी अनुपात सी दे रहा है एक अनुपात तीन दे दिया,
देखो आपको ध्यान क्या रखना है, लिखना कैसे बस ये समझ लीजिए, बाकी तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। दो बार कौन आ रहा है, बी आ रहा है, तो यदि दो बार बी आ रहा है ना तो बी को बी के नीचे लिखना है, बस एक तो ये याद रखो। फिर बी के पहले कौन था, ए था, पहले हो चाहे बाद में हो लेकिन बी के साथ में ए था तो ए इधर ही आएगा। फिर बी के साथ में कौन था, सी, तो सी इधर आएगा। और जो भी खाली जगह बच रही है ना उसे यहाँ वाली संख्या उठ के और फिर इसे भर देगी, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पर आएगी, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और बस फिर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी दो अनुपात तीन है और ए अनुपात सी बराबर एक अनुपात पाँच है तो ए बी सी का मान बताना है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि दो बार आ कौन रहा है, तो यहाँ पर पता लग रहा है ए बी ए सी में दो बार आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए आएगा ए के नीचे। देखो ए ए के नीचे लिखा है, देखो मैंने। फिर ए के साथ कौन है, बी, तो बी हमेशा इस साइड आएगा। फिर इसके साथ ए के साथ दूसरा कौन है, सी, तो सी यहाँ पर आगे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर देखो मान रखना स्टार्ट करेंगे अपन, मान रखेंगे तो देखो पहले ये बी है तो बी की जगह बी का मान रखो, तो बी का मान कितना रहा है, तीन आ रहा है तो तीन रख दिया। फिर पहले ए का मान रखो, ए का मान दो आ रहा है तो दो रख दिया। फिर दूसरे ए का मान एक आ रहा है तो एक रख दिया। सी का मान क्या रख दिया, पाँच। खाली जगह कौन भरेगा, बगल वाला, दो आ गया एक आ गया, ठीक है। जो भी यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, तीन एकम तीन हो गया, दो एकम दो हो गया, और पाँच दूनी दस हो गया, तो तीन अनुपात दो अनुपात दस आ गया। लेकिन देखो मान किसका आया, पहले कौन आ रहा था, बी, तो ये बी का मान आया। फिर कौन आ रहा था, ए, तो फिर ये ए का मान आया। फिर ये सी है तो सी का मान आ गया, बी अनुपात ए अनुपात सी आ गया। लेकिन आपको पूछा क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो पहले ए आएगा तो ए का मान क्या है, दो। फिर बी आएगा तो तीन और फिर दस, तो उत्तर कितना आएगा, दो अनुपात तीन अनुपात दस, ये ए बी सी का मान पूछेगा, तो दो अनुपात तीन अनुपात दस हो जाएगा। इस तरह से इनको ज्ञात किया जा सकता है। आप सभी को समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा, और यदि आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।